एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज मैं आई भी हूँ अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ जो बैजोई में रहती है, तो हम लोग उसके घर आए हुए हैं और अब जा रहे हैं हम लोग मंदिर। तो मंदिर है वो, कौन सा मंदिर है? सदाब बाड़ी भोलेनाथ का है, शंकर जी का मंदिर है। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है और हम ये बोले चलो वहाँ मंदिर होकर आते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं। जा रहा है कच्छा पहनने, कच्छा बदलने जा रहा है, उत्कर्ष मंदिर जा रहे हैं क्योंकि हम ये देख लो गाइस सब लोग तैयार होके चल दिए हैं मंदिर के लिए। चले मेरी बूढ़ी माँ भी चल दी हैं धीरे धीरे। मैंने कि छुटकी को गोदी में ले लो, कैसे लेती थी गाइस। ये देखिए ये क्या है, ये है भूसा, इसमें इन्होंने पन्नी लगा के भूसा भर रखा है। और ये शैतान बच्चा आ गया है ये कह रहा है मेरा भी ब्लॉग बनाओ और कुछ कह मौसी को लाइक करिए, मौसी को लाइक करिए, कमेंट करिए। हाँ गाइस वंश थक गया है तो ये बैठ गया है खटोले पे, ये छोटी सी खटिया है और यहाँ बैठी है बकरी बकरा, उनके साथ आराम कर रहे हैं ये सब। वंश भी यहाँ आराम कर रहा है इन्हें देख के। हैं तू भी आराम कर रहा है? तू भी बकरा है? तू भी बकरा है? जय भोलेनाथ की जय हो, जय गंगा मैया। गाइस आ गए हैं मंदिर पे और सब उतर रहे हैं, चलिए चलते हैं। ये है पीपल का पेड़, देखिए कितना बड़ा विशाल वृक्ष है। और रास्ता किधर से है? रास्ता इधर से मौसी, इधर से, इधर से चलो, इधर से। अच्छा चलो इधर से। अरे हैं जब से, जब से आ रहा है भैया। चलो गाइस मंदिर आ गए हैं, आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। तो जो ये शिवलिंग है ये भूमि से ही निकले हुए वहीं पर, और बहुत ये बहुत छोटे से थे और जो वो धीरे धीरे ऊपर को आते चले जा रहे हैं। गाइस आइए आपके भी दर्शन है और इनकी गाइस आपके दर्शन भाई। इन्होंने निशेष नाग को हाथ में लेके फोटो खिंचा रहे हैं ये गाइस देखिए अप्रैल भी खड़ा हो गया, इनने भी फोटो। तेज तेज चलना है, बहुत तेज लग रही है। उत्कर्ष चलो उत्कर्ष
का शाम। ये जो छोटी छोटी शिवलिंग है ये 525 शिवलिंग है, इनकी परिक्रमा कर रहे हैं, पैर चल रहा है। आओ माता जी जल्दी करो, क्या कर रहा है? इस समय पत्थर बहुत हो रहे हैं गरम, तो ये लोग भी जल्दी जल्दी भाग भाग के परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। हम लोग फोटो खिंचाएंगे। गाइस इन लोगों ने भाग भाग के पूरी परिक्रमा पूरी कर ली। गाइस ये मंदिर की बाहर की साइड है, तो मैं आपको उसका फ्रंट दिखा रही हूँ। ये पूरा मंदिर ही है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये मंदिर। और गाइस इस ब्लॉग को मैं दो पार्ट में डालूंगी, जो आपको दूसरा पार्ट नेक्स्ट उसमें दिखाऊंगी। लटका जा रहा ये अपनी हाइट बढ़ाता हुआ वंश मंदिर के पेड़ पे। इस सबने अच्छे से भगवान जी के दर्शन कर लिए, अब चलते हैं घर की ओर।